सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देसी गेमर्स। तो गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं गेस द यूट्यूबर बाय देयर वॉइस, मतलब हम लोग कुछ यूट्यूबर का आवाज सुनेंगे और हमको गेस करना है कि वो कौन सा यूट्यूबर है। सो गाइस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, सब लोग वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर म्यूजिकल रिडल नाम के चैनल पर, जहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी ये सब बना के सेट करके रखा हुआ है। तो हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे और देखते हैं गाइस कि मैं इस चैलेंज को कम्प्लीट कर पाता हूँ फिर नहीं। तो गाइस हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है, मतलब 10 सेकंड के अंदर हमको इसको गेस करना है, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्टेड। नंबर 1, पहले तो 10th के मार्क्स रिवील किए थे, तो आई नो तुम लोग को देखने हैं मुझे कितने गंदे मार्क्स मिले, तो प्लीज एंड तक। गाइस ये वो बंदा है जिसके साथ मैंने पहली बार पॉडकास्ट किया था, मैंने अपने यूट्यूब जर्नी का सारा चीज इनके स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट में मैंने बोला हुआ है। ही इज नन अदर देन मिथपैड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस तरह से इंट्रो करते हैं, मेरे काफी अच्छा लगता है। बाय द वे गाइस, मैंने मिथपैड से काफी ज्यादा एडिटिंग से इंस्पायर हुआ हूं। मिथपैड का एडिटिंग देखकर ही हम लोगों ने प्रीमियर प्रो शुरू किया था, वरना मैं फिल्मोरा में एडिट करता था और अपना एडिटिंग मैंने काफी हद तक मैंने इंप्रूव किया है, जो कि मैंने उनकी पॉडकास्ट में बोला भी है। और हाँ, मुझे मालूम नहीं कि एक ही कान से आवाज क्यों आ रहा है, तो सॉरी। बस स्टूडियो में प्लीज मेरा ये बाल थोड़ा इग्नोर करो, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से आज से। भाई मिथपैड है, भाई मिथपैड मुझे पता है यार। चलो नंबर 2 देखते हैं। देखो शो के अंदर बैठे 4-5 जजेस और इनके पास है अंधा पैसा, खूब पैसा इनपे भाई। तो लोग अपने स्टार्टअप और बिजनेस इनके पास लेके जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब इनमें से किसी को भी आइडिया पसंद आता तो उसे पैसा। मुझे नहीं पता, ठीक है गाइस, आप लोगों को पता है तो गेस करो, कमेंट करो, कमेंट में बताओ, मुझे पता नहीं, ठीक है। सच देते हैं कि ले भाई चल बढ़ा बिजनेस और उसके बदले में उसकी कंपनी का थोड़ा पार्ट। यार छी यार, धीरू मौंचिक था भाई, मेरे को उतना याद ही नहीं आया। मेरे माइंड में क्या पता ये बिजनेस की बात हो रहा था, मेरे को वो शार्क टैंक वाला भाई आया पता, मेरे को लगा मैं उन सब जजों को फेस सोच रहा हूं, मेरे को लगा कोई होगा। धीरू मौंचिक था भाई, आवाज मतलब अभी तो पहचान लिया, बट उस टाइम जब आवाज सुना ना मेरे दिमाग से उड़ गया, मेरे को पता नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, चलता है, होता है ऐसे, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटना होती रहती है, तो सो इन सब चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। चलो गाइस अभी हम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नमस्ते आंटी, कैसे हो? नहीं नहीं सब बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, पढ़ाई एकदम मस्त चालू है, मस्त। नहीं मैं वो बस मंदिर से आ रहा था ना, जस्ट केम कमिंग फ्रॉम प्रेइंग। पापा बिल्कुल ठीक है, बस थक गए, मुझे आशीर्वाद। भाई यार ये भी मैं हार गया भाई, मेरे को ये भी पता नहीं, लिटरली 10 सेकंड हो गया। आपके पैर पे कुछ है भाई? तन्मय वक्ता कसम से, कितना आप, मैं डेली वीडियो देखता हूँ तन्मय का, एक वीडियो नहीं छोड़ता, मैं लिटरली एक वीडियो में नहीं छोड़ता, और तन्मय को मैं नहीं पहचान पाया। क्या गुंडा बनेगा रे तू अमित? गाइस यार मैं हार गया मानता हूँ, मैं दोबारा सुनता हूँ, ठीक है? तन्मय का आवाज कुछ अलग तरीके से बात कर रहा है ना, जस्ट केम कमिंग फ्रॉम प्रेइंग। छी यार मैं तन्मय भट्ट नहीं पहचान पाया, छी अमित नाना थे मेरे ऊपर यार। आपके पैर पे कुछ है क्या? मैं आवाज मतलब हम लोगों ने बस इनको वो दिखाया ना, लाइक पिटाई रिव्यू, मीम रिव्यू, ये रिव्यू, रिपोर्टर रिव्यू, तो थोड़ा लाइक वो हो गया, समझ रहे हो? थोड़ा भटक गया भाई मैं क्या सोच रहा हूँ अमित। गाइस आप लोगों को पता था क्या तन्मय भट्ट था भाई? तन्मय भट्ट, छी यार मेरे को तन्मय भट्ट पहचान नहीं पाया यार मैं। चलो गाइस अभी हम नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में देखो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी गिफ्ट दे दो, सारे स्टूडेंट से कहते हैं, आप स्टूडेंट से कहते हैं। गाइस मैंने ना सच बोलूं तो यूट्यूब में ना लाइक जो ये टीचर प्रोफेशन टाइप की जितने भी फील्ड है, ठीक है, लाइक कि खान सर हो गया, जो एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, लाइक खान सर हो गए, ध्रुव राठी हो गया, या फिर बाकी जो भी लोग हैं, ये खान सर है, ठीक है, मैं इस टाइप के वीडियो बहुत ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री में मैंने ऑनर्स किया हुआ है, मैं हिस्टोरिकल चीज़ ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो लाइक मैं कैसे नहीं पहचानूंगा खान सर को यार। खान सर इज अ लेजेंड भाई। गाइस जो भी खान सर के मेरी तरह खान सर के फैन हो, चैट पे खान सर ओपी लगा देना, ठीक है, चाहे कितना भी शॉपिंग करा दो, बड़ा महंगे से महंगा गिफ्ट दे दो, आप टेडी बियर दे दो, जितना मर्जी महंगा से महंगा टेडी बियर दो, वो इससे नहीं खेलेगी, जब भी खेले। चलो नंबर 5, जो मुझे सबसे पहले आई लव यू बोलेगा उससे सेट होंगी। बाय बे नाजिम, कौन सी गाली बक के गई भाई? राउंड हेल बहन की, राउंड हेल के दो बंदे तो यार, इससे तो मैं ही पटाऊंगा नाजिम, इससे पूछ के राउंड टू गाली बक के गई है इसका भाई, मैं कैसे ना पहचानूं यार। चलो नंबर 6, मजनू रेडी? हाँ भाई एकदम, उतरते ही हम पहले ऑब्सिडियन ढूंढेंगे, नेदर पोर्टल के लिए काम आएगा। एंग्री प्रस माइनक्राफ्ट नहीं पबजी खेल रहे हैं। एंग्री प्रस, ए नुबड़े कौन है बे, तेरा बाप होगा नुबड़े। एंग्री प्रस से, एंग्री प्रस का एक सॉन्ग था पबजी सॉन्ग, काफी बढ़िया था, काफी बढ़िया लगता। भाई जाने दो उसको, गेम में गोली फेंक के मारो उतना काफी है। क्या मतलब? सो गाइस अब तक हम लोगों ने 6 गेस कर लिया और 6 में से गाइस शायद से मैं 2 गलत हुआ, धीरू मौंचिक और तन्मय भट्ट में, और अभी हम देखते हैं 7 नंबर पे। और जो भी लोग यहाँ तक देख रहे हो गाइस लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। अभी चलो नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 7 में कौन होता है। गाइस सुनो 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 सुनो, इसको पॉज करते हैं, जिसका पता नहीं
मैं ना लाइक जब यूट्यूब में आया था मैं गेम खेलता था और उस टाइम ना बहुत सारे क्रिएटर थे, ठीक है, बहुत सारे क्रिएटर थे। मैं कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर स्टोरी टेलिंग भी थोड़ा हो रहा है। तो लाइक मेरे को ना लाइक पहले से था कि मैं किसी को देख के सीखूँ, जिसके मैंने बोला मैंने मिथपैट से बाद में एडिटिंग बहुत इंस्पायर हुआ, मैंने देखा एडिटिंग अच्छा करना जरूरी है, तो मैंने वो चीज़ वहाँ से लिया। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं यूट्यूब में किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहता था, किस टाइप का लोगों को एंटरटेन करना चाहता था, किस टाइप का हंसाना चाहता था, रॉनी की तरह, ठीक है। तो रॉनी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं बोलता हूँ यार रॉनी से देख के मैंने गेमिंग चैनल को लाइक इस तरह इस साइड पे मैंने खींचा है, वरना मैं अच्छा प्लेयर था, अच्छा खेलता था, बट मैंने इंटरटेनिंग में रॉनी को देख के मैं इंस्पायर हुआ शायद से, ठीक है। तो ही इज रॉनी यार, मेरा फेवरेट गेमिंग क्रिएटर। क्या बात कर रहे हो, अचानक से गला बंद कर दिया, मतलब आउट ऑफ नोवेयर में वीडियो में अचानक क्या मेरा गला बैठ गया। तो आज हम लोग चलने वाले अफ्रीका में, और अफ्रीका में हम लोग मिलने वाले एक बहुत, बट रॉनी के फैन जो भी लोग हो ना भाई, इसने हासियांदा एपिसोड बंद कर दिया भाई, हासियांदा खत्म भाई, आता ही नहीं आजकल। चलो गाइस अभी हम लोग आठवें नंबर की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। काश मैंने स्कूल के दिनों में YouTube देखा होता, केजी में ही सस्पेंड हो जाता, मस्त गवार लाइफ। कभी टीचर को ना क्ले खिलाया, कभी टीचर को ना जहर पिलाया। गाइस सुनो, मैं ना अगर मेरे को 10 YouTube चैनल इंडिया के बेस्ट YouTube चैनल गेस करने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो ये भी एक होगा भाई। ही इज अभ्युदया एंड फ्रॉम स्ले पॉइंट। किलो का रबड़ खरीद के खाया तक नहीं, मतलब किसी का खून किए बिना मैं बड़ा कैसे हो गया यार। चलो नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कंट्रोवर्सीज का अकाल था, ट्रेंडिंग टॉपिक का सूखा पड़ा था, एक ही टॉपिक को बार बार मिल्क करते हुए लक्ष्य चौधरी रोस्टर अब थक चुका। ये लक्ष्य चौधरी, अब इसको चाहिए था एक तड़कता भड़कता टॉपिक, एक मुर्गा जो व्यूज के अंडे भी देता हो, जो पलट के काटता भी ना। गाइस लक्ष्य चौधरी की पहचान किया, आवाज इसमें कोई परिवर्तन नहीं था ना, आवाज सेम टू सेम था। चलो जल्दी से, अबे तुम लोग लाला हक दिया है, लाला ने हक दिया गाइस, अभी समझ गया। अब तो इसमें है जोनाथन, माय फेवरेट जोनाथन, ये बात अनबॉक्सिंग कर रहा है जोनाथन। ओके 11 नंबर की तरफ चलते हैं। जेल होती है तो क्या ये भी नॉर्मल लोगों की तरह जमीन पे सोते हैं, या फिर अंदर कोई सीक्रेट महल बना हुआ है? अरे ये तो हुआ है यार, मूवी रिव्यू करती है, थोड़ी तो शर्म करो दीक्षा। नाम टीवी पे जेल के बगल में लिखा आता है तो दिमाग अक्सर दीक्षा नाम है इनका, आई थिंक दीक्षा नाम है, मूवी रिव्यू करती है, उसका थंबनेल में होता है, थोड़ी तो शर्म करो। चलो गाइस मुझे पता चल गया, नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसे समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, चाट बहुत सारी जगह यूज किया जाता है, और घर में बनी हुई चटनी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। तो आइए इमली की मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं। मधुलिका, मैंने बोला ना भाई यार मैं कुकिंग देखता हूं, मेरा खाना अच्छा लगता है ना। चलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ गेमिंग ग्रुप चैट। वेट अ मिनट, भाई इसका नाम ही बोल दिया। इसने तो अपना नाम खुद ही बोल दिया रे, इसमें कुछ बोलने आंसर बोलने की जरूरत नहीं, इसने आंसर खुद ही बोल दिया, इसने अपना आंसर खुद ही बोल दिया, वेलकम बैक टू एस गेमिंग यूट्यूब चैनल बोल के। तो इसमें मेरे को गेस करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। अभी हम 14वें नंबर पर जाते हैं। पर्पस है लोगों को फ्री डाइविंग और स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग देना इसके अंदर, हालांकि इसके अंदर कोई मछलियां या मरीन लाइफ नहीं है। मैंने अभी भी बोला था कुछ देर पहले जब खान सर का गेस्ट करने के लिए बोला गया था कि मेरा फेवरेट क्रिएटर्स में लाइक खान सर हो गए, मैं देखता हूँ ध्रुव राठी को देखता हूँ, और ये ध्रुव राठी है भाई। मैंने ध्रुव राठी का ऑलमोस्ट हर एक तो नहीं बोलूंगा, ऐसे बीच में कुछ छूट भी गए होंगे, बट मैं देखता हूँ, मेरे को ऐसे लाइक इतने एजुकेशनल वीडियो इस टाइप के वीडियो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि आखिर में है तो ये एक आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल, लेकिन इसके अंदर जाकर डुबकी लगाने का एक्सपीरियंस बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और लाजवाब है। भाई ध्रुव राठी का शॉर्ट्स वीडियो से बेटर होता है भाई, कितना कितना मस्त रेटिंग होता है इनका, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद। चलो नेक्स्ट देखते हैं। गुरु तुमको ये देख के अजीब नहीं लगता कि ज्यादातर मूवीज में पॉलिटिशियंस को किसी कार्टून कैरेक्टर्स की तरह दिखाया जाता है? जस्ट लाइक भाई लकी दरेसर को ही देख लो, भैंचुत को इज्जत ही नहीं है, दबंग को ही देख लो, लेकिन फिर भी यार भाई यहाँ पर जस्ट जब यहाँ पर आंसर बता देते हैं ना तब मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, मैं तो जानता हूँ, बट कोई बात नहीं यार। विमल का ऐड करने के बाद जब लोगों ने अक्षय कुमार को अपोज किया तो उन्होंने माफी मांगी और अपने पैसे भी डोनेट कर दिए, लेकिन अगर तुमने वो विमल का ऐड प्ले करके देखा ना तो तुमको रियलाइज हुआ कि वो विमल इलायची का ऐड था। फिर इतनी मुझे पता नहीं गाइस, आप लोग चलो गेस करके बताइए कौन है, ठीक है। मैंने सुना कभी, एक बार ऐसा लगा कि टीएसजी का जस्ट कैसे आवाज आ रहा है, बट फिर विमल था शायद, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन बाय बीएनएफ टीवी था यार, मैंने देखा है बहुत बार इसको, शॉर्ट्स में आते रहते हैं रिकमेंडेशन में। इंडिया में फ्री फायर बैन हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली बांग्लादेश का जो हाई कोर्ट है वो फ्री फायर को 3 महीने के लिए बैन कर दिया है, और इंडिया के एक डिस्ट्रिक्ट जज, ये वो है ना क्या नाम है उसका, 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर था, अरे पीछे वो रेड कलर का ऐसे सोफा ऐसे लगा था ना बैकग्राउंड में, फैक्ट नरेश कुमार लाका ने पीएम मोदी को लगा दिखा इस गेम को बैन करने के लिए।
बट क्या गेम बैन करो, बैन हो गया भाई, तूने बोला और बैन हो गया गेम, अभी सिर्फ मैक्स बचा है, वो भी बैन करवा दो। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, सब बैन कर दो, हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन में हम शिफ्ट कर रहे हैं भाई, बैन कराओ फ्री फायर, फ्री फायर मैक्स सब बैन कराओ, पबजी बीजीएमआई सब कुछ बैन हो चुका है, यूट्यूब पे बैन करा दो। चलो 18वें नंबर पे चलते हैं। लैपटॉप क्या खुद को चार्ज कर सकता है? आपको ये क्या ट्रेकिंग टेक सवाल है? ट्रेकिंग टेक है ना, आपको दिखाने वाला हूँ। ट्रेकिंग ये लैपटॉप जो है मेरे सामने आसुस का, ये खुद को ही चार्ज करता है। ये है यूएसबी टाइप सी केबल, दो यूएसबी, मतलब आवाज ना अगर थोड़ा सा अलग होता है तो पता कर रहता है, खत्म भी हो गया। सो गाइस आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, और मुझे ना सच बोलूं तो मेरे को ना बस तो पहचान नहीं पाया, थोड़ा सा ऐसे अंदर से गिल्टी फील हुआ, बाकी तो मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, और आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोगों ने किस किस को गेस किया, कि आपने मुझे बीट किया है फिर नहीं। और जो लोग यहाँ तक देख रहे हो, मुझे ना मतलब कुछ नया ट्राई करना है, तो आप लोग कमेंट में बताओ कि मुझे क्या कुछ नया नया चीज़ों पर ट्राई करना है। और बाय द वे आप लोगों ने मेरा ब्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं वहाँ पर रेगुलर ब्लॉग आजकल डालने लगा हूँ, एवरी वीक वन ब्लॉग, तो जाके सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हम मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।